हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पबजी बैन के ऊपर। काफी ज्यादा लोगों ने मुझे दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि पबजी अनबैन कब हो रही है और जो पबजी है उसके अनबैन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं। बेसिकली देखो यार, पबजी अनबैन के ऊपर तो यार मैं देखो कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज फेक न्यूज काफी ज्यादा चल रही है मार्केट के अंदर। तुम लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने पबजी से रिलेटेड चीजें बनाना छोड़ दी, बिकॉज मार्केट में काफी ज्यादा फेक न्यूज चल रही है। अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया, हो सकता है मेरे को व्यूज एंड ऑल सब कुछ मिल जाए, बट ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं है यार। मैं ऑथेंटिसिटी जिसके अंदर नहीं होती तो मैं कोशिश अवॉइड करता हूँ उन सब चीजों को। तो देखो यार, देखो अफवाह जो आ रही है सुनने के अंदर कि एयरटेल के साथ में, एयरटेल गेमिंग के साथ में कोलैब हो रहा है इन दोनों का, कि सारे दोनों के दोनों आएंगे, बिकॉज हो सकता है रिलायंस से ज्यादा पैसा मांग लिया हो और एयरटेल वाले और ये बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशन में एंड ऑल, ये सब कुछ बातें चल रही हैं, बट हमें पूरा का पूरा पक्का सोर्स नहीं पता। बहुत सारे लोग इसको कंफर्म कर रहे हैं कि एयरटेल वाले ही पबजी मोबाइल के राइट्स ले लेंगे, बट स्टिल हमारे पास में कोई पक्का सोर्स नहीं है जो ये चीज बोले कि यस ये चीज हो रही है। ये चीज जब भी होगी, अनबैन होगा, कुछ भी होगा, तो मैं आप लोगों को जो भी करेक्ट चीज है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों से बात करनी थी वो है पबजी बैन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं। काफी ज्यादा लोगों ने मुझे बोला है कि स्ट्रीमर्स की हालत, गेमर्स की हालत बेसिकली क्या हुई है इसके बाद में। ये चीज किसी से भी नहीं छुपी हुई, पबजी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके आया करता था। अगर कोई भी बंदा पबजी स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम पर, तो उसके पास में छोटे थोड़े बहुत तो व्यूज आ ही जाते थे कहीं ना कहीं से, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक था पबजी के पास में, पबजी मोबाइल बेसिकली, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब पबजी मोबाइल आई ना, बहुत सारे स्ट्रीमर्स भी पैदा होना शुरू हो गए। जिन लोगों के पास में एक अच्छा सेटअप नहीं था, उन लोगों को भी स्ट्रीमिंग करने का एक है ना मौका मिला, विच इज गुड कि हम लोग भी स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। हम लोगों के पास में मोबाइल है, हम मोबाइल से ही मिरर करके आराम से स्ट्रीमिंग करना शुरू कर सकते हैं, हमें कोई बड़ी चीज नहीं है इस चीज के अंदर। कुछ लोगों ने एमुलेटर से करना स्टार्ट किया, तो नहीं है कि जो अपना नींव रखी वो पबजी से रखी थी बेसिकली। छोटे छोटे स्ट्रीमर्स के साथ में अब क्या हो रहा है, उन लोगों को अपने चैनल बंद करने की नौबत आ रही है, बिकॉज व्यूज ही नहीं आ रहे उन लोगों को। वो लोग दूसरी गेम्स भी खेल रहे हैं, स्टिल बोलते नहीं है कि जिन बंदों को आदत हो जाती है बड़े बड़े व्यूज देखने की, 10,000-20,000 व्यूज देखने की, अभी उनके एकदम से कट के 400-500 व्यूज हैं, तो क्या होगा उन लोगों के साथ में। ये तो है वो क्रिएटर्स जो मिडल में थे, जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके पास तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बट अगर तुम बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के बारे में बात करोगे, जो है हमारा डायनमो, चलो छोड़ो, डायनमो हो गया, मॉर्टल हो गया, तो इन लोगों के अगर तुम व्यूज के अंदर एक बार देखोगे, डायनमो की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, 80 लाख सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल अगर तुम उसकी रीसेंट स्ट्रीम्स देखोगे, तुम रीसेंट व्यूज देखोगे, बर्बाद हो चुके हैं वो, पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स की मर चुकी है, गंदी वाले लोड़े लग चुके हैं, मतलब बहुत गंदा सीन हो रखा है। मतलब कि अगर उसकी लाइव वॉचिंग कभी कभार तुम देखते हो, अगर वो किसी के साथ में कोलैब कर रहा है, जब जाकर बेचारे की शायद 1 मिलियन आ जाएगी या फिर कुछ लाख में आ जाएगी एंड ऑल, लेकिन वो अकेला कर रहा है तो 3-4 लाख 5 लाख उससे ज्यादा खींच नहीं रही है। सेम गोज फॉर मॉर्टल, मॉर्टल के साथ में ही ये हो रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत गजब है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। स्टिल जो अगर तुम कंपेयर करोगे पबजी मोबाइल की जो स्ट्रीमिंग के व्यूज हैं और उसकी जो अभी की स्ट्रीमिंग के व्यूज है, अगर तुम उन दोनों को कंपेयर करोगे, तुम्हें कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो इससे तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि जो पबजी मोबाइल था उसने व्यूज के अंदर काफी ज्यादा, मतलब जो ट्रैफिक था यूट्यूब का वो काफी ज्यादा कम कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज ये भी है, जो बहुत सारे इमर्जिंग स्ट्रीमर्स थे जिन्होंने पबजी मोबाइल के थ्रू खेल रहे थे, धीरे धीरे करके अपने सब्सक्राइबर एंड ऑल बढ़ा रहे थे, उन लोगों के साथ भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। दूसरी चीज है वो है ई-स्पोर्ट्स। ई-स्पोर्ट्स के अंदर ऑब्वियसली टूर्नामेंट के लग चुके हैं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे उनके लग चुके हैं, उनके मतलब पूरा बर्बाद हो चुके हैं बेचारे। बहुत सारों के साथ में ऐसा हुआ उनका रोस्टर सी हट गया है, बहुत सारों के साथ में ऐसा हुआ है वो बेचारे अभी अपने मतलब एम के बहुत पास में थे बट नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे जो बंदे की टूर्नामेंट्स होने वाले थे वो टूर्नामेंट्स ही नहीं हो पाए, तो वो बेचारे कम्पीट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ई स्पोर्ट्स को। व्यूज के साथ तो हुआ ही हुआ है, अब जो प्लेयर्स थे वो प्लेयर्स भी बेचारे बहुत बड़े डिलेमा के अंदर है कि हम लोग अब क्या करें, हम लोग अब पबजी का वेट करें या कोई नई गेम को स्विच करें, या हम लोग करें तो करें क्या, मतलब उनके दिमाग में काफी ज्यादा है ना डिलेमा चल रहा है इस चीज का। जो बड़े बड़े ई-स्पोर्ट्स प्लेयर थे ऑब्वियसली उन लोगों ने स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दी दूसरे की, बिकॉज उनका यूट्यूब चैनल काफी ज्यादा बड़ा था, तो वो लोग अब फुल टाइम स्ट्रीमर बन चुके हैं या फिर अब भी स्ट्रीम कर रहे हैं, जब तक के लिए कुछ डिसाइडिंग कुछ सीन होता नहीं है। तो जिन बंदों के पास यूट्यूब चैनल नहीं था, उन लोगों ने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया जिससे वो कुछ ना कुछ कमाने का ट्राई करे यूट्यूब के अंदर बेसिकली। लेकिन जो बंदे अभी स्टार्टिंग के अंदर आ रहे थे उन लोगों का तो करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बट इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादातर मुझसे लोग पूछते हैं, वो यही है, अब पबजी बैन अगर हमेशा के लिए हो गया, कोई अब आने वाली चीज नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यार, तुम चाहो तो मेरी वाली एडवाइस ले सकते हो, नहीं चाहो तो यार तुम नहीं लेना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ। अभी हम लोगों को नहीं पता कि ये पबजी कब अनबैन होगी, हो सकता है कल हो जाए,
हो सकता है एक महीना लगे, हो सकता है एक साल लगे, हो सकता है कभी ना हो, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अगर तुम्हें ई स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो कि नहीं भाई मुझे तो अब ई स्पोर्ट्स के अंदर अपना जाना ही जाना है, तो यार ऑब्वियसली तुम लोगों को गेम स्विच कर देनी चाहिए। और तुम्हारे पास में काफी ज्यादा ऑप्शन है, पीसी गेमिंग के भी ऑप्शन है और मोबाइल गेमिंग के भी काफी ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। क्लैश ऑफ क्लैन, कैश रॉयल, ऐसी मतलब बहुत सारी गेम्स है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फिर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, मैंने बनाई है इस पे वीडियो। बहुत सारी गेम्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं तुम्हारे पास में। आई नो बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे कि ये कहना आसान है आपके लिए, बट हमारा इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगा हुआ था, मैंने काफी ज्यादा मेहनत कर दी थी इस गेम पे, मेरी काफी ज्यादा स्किन्स है, ये सब कुछ है। आई नो हो सकता है मैं तुम्हारी इस चीज को, भावनाओं को नहीं समझ सकता, बट मुझे ये चीज के बारे में पता है कि जब तुम किसी चीज पे पैसा लगा दो और वो पैसा वर्थ इट ना हो पाए तुम्हारा तो कैसा होता है। आई नो ये चीज के बारे में मुझे पता है, तो मैं तुम लोगों को यही चीज बोलूंगा कि वेट करो, हो सकता है कि यार अनबैन हो जाए। अगर तुम कॉम्पिटिटिव के लिए पबजी मोबाइल का वेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास में कोई ना कोई एक इंटरनल सोर्स ऑब्वियसली होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास एक कोई ऐसी न्यूज होनी चाहिए जिसमें तुम्हें पक्का हो कि हाँ भाई पबजी तो अनबैन होना ही होना है, तब जाकर तुम वेट करो, बिकॉज तुम्हारा वेट वर्थ इट तो होना चाहिए ना बेसिकली। सो बस, अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं हर एक मीनिंगफुल क्वेश्चन के हमेशा आंसर देता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, नीचे ज्वाइन बटन है वहां पर क्लिक करके, जिससे मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए बनाता रहूं। और बस इस वीडियो में इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा देना जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। सो बस, टिल देन प्ले व्हाटएवर गेम यू वांट एंड स्टे सेफ।